खून से खत लिखकर विरोध दर्ज कराया एनएसयूआई ने। अग्निपथ योजना से होगा उन सैनिकों का अपमान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, हमें आजादी दिलाई। खून से खत लिखकर विरोध दर्ज कराया एनएसयूआई ने। अग्निपथ योजना से होगा उन सैनिकों का अपमान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, हमें आजादी दिलाई। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लेकर आज ये छात्र पहुंच गए रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर, ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग। एनयूएसआई के लड़कों ने खून से लिखा पत्र राष्ट्रपति के नाम, साथ ही पत्र को सौंपा ज्ञापन बनाकर। अग्निपथ योजना को सैनिकों का अपमान हटाने के विरोध में एनयूएसआई द्वारा राष्ट्रपति के नाम अपने खून से लिखा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। एनयूएसआई का कहना है, भारत की स्वतंत्रता, देश की आन बान शान को बनाने वाले हमारे जवान सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र रहते हैं और आज भाजपा सरकार उन्हीं का अपमान कर रही है, उनके शौर्य और पराक्रम को अपमानित कर रही है। हमारे देश के पराक्रमी वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। हमारे देश की आन बान शान हमारे देश के वीर जवान हैं। आज हमारे देश का युवा उन्हीं शौर्य और पराक्रम को देखकर देश की सेवा में जाना चाहता है, लेकिन भाजपा सरकार उसे एक योजना का नाम देकर हमारे वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान को अपमानित कर रही है। अग्निपथ में आने वाली इन योजनाओं को एनयूएसआई छात्र संगठन ने हटाने की मांग की। आइए हम आपको बताते हैं वह पांच मांगे कौन सी हैं जो अग्निपथ योजना से तत्काल हटाना चाहते हैं छात्र। उनका कहना है, रोजगार का साधन और योजना का नाम देना बिल्कुल गलत है, इसको तत्काल ही हटा देना चाहिए। साथ ही 4 साल के बाद रिटायरमेंट कैसे हो सकता है, एक युवा को 4 साल में आप बाद कैसे आप रिटायर कर सकते हैं, इसको भी तत्काल हटा देना चाहिए। साथ ही जो लड़के जो युवा देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए मरने मिटने की बात करेंगे, उनको पेंशन और कैंटीन का लाभ मिलना ही चाहिए। जाति प्रमाण पत्र मांगना देश के वीर सैनिकों वीर शहीदों के लिए अपमान होगा, जो वहां पर देश के लिए सेवा करते हैं उनसे जाति की बात करना बेमानी है, इसको भी तत्काल हटा दें। शहीद का दर्जा ना देना, जिसकी वजह से महामहिम जी तत्काल इस प्रभाव से इसे निरस्त कर दें, इस बारे में हमने छात्रों से भी बात की, उनका साफ तौर से कहना था। देश की सेवा करने वाले को जाति का प्रमाण पत्र क्यों मांग रही है सरकार, पेंशन और कैंटीन का लाभ क्यों नहीं दे रही है सरकार, 4 साल के बाद रिटायरमेंट की बात क्यों, आखिर रोजगार का साधन और योजना का नाम देना बिल्कुल गलत है, इन बातों को तत्काल हटाइए। आइए आपको हम सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने के बाद लड़कों ने हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार तो लगातार आम जनता पर जिस प्रकार शोषण कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर वो हर जगह अत्याचार कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दी जिससे आज हम स्वतंत्रता से रह रहे हैं, आज उन्हीं को अपमानित कर रही है। अभी हाल ही में अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च किया, उसका मतलब है कि 4 साल के लिए सैनिक में भर्ती लोग होंगे। हमारे यहाँ सैनिकों की जो भर्ती होती है, जो सैनिक में जाता है, उसका मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं होता, एक देश सेवा होती है। उसके अंदर एक शहीद जो हमारे देश के हुए हैं उनके शौर्य वीर पराक्रम को देखकर उनके अंदर एक जज्बा आता है कि हम देश के लिए अपना कुछ करेंगे, उन सब को सोचकर लोग देश की सेवा में जाता है। हमारे अंचल में जब कोई शहीद होता है तो पूरा अंचल कहीं ना कहीं दुखमय हो जाता है, लेकिन सरकार ने इसको एक योजना का नाम दे दिया है। दूसरी बात है कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद वो क्या करेंगे, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन की सुविधा नहीं, कैंटीन की सुविधा नहीं, और अगर कोई घटना होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये क्या सिस्टम बना रही है, कहीं ना कहीं सरकार हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को भी अपमानित कर रही है। आज हम इसके विरोध में अपने खून के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार साहब को, और मैं ये आश्वासन चाहता भी हूँ कि अगर सरकार इस पर कुछ निर्णय लेती है तो ठीक है, अन्यथा देश का युवा सड़कों पर उतर जाएगा।